आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। यूपी के जिला गाजियाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज दिनांक 13 अगस्त 2022 को स्वदेश मिशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन एनजीओ के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में ध्वजारोहण का कार्य किया गया, जिसमें ध्वजारोहण के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें संस्था के चेयरमैन डॉक्टर हरीश श्रीवास्तव ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मौके पर संस्था के सदस्य डॉक्टर अमजद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम यूपी सुभाष प्रजापति, डॉक्टर सुशील कुमार अरोड़ा, नीतू चौहान, सलमान, पूजा पांचाल, डॉक्टर नसीम अहमद, कंचन शर्मा, हिमलता गौतम, फारूक चौधरी, प्रीति, शशिप्रभा, कुसुम, हरदेव सिंह, रेणु चौहान, आफताब, डॉक्टर हसीन अहमद एवं दीपाली आदि इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद अली। आज हमारे डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी के उत्सव पर कि जो देशभक्ति हमें आजादी सिखाती है, ये देशभक्ति हम बॉर्डर पे जाके दिखाएं या कहीं ऐसी जगह दिखाएं, जरूरी नहीं कि हमें बॉर्डर पे ही जाना पड़े। हम अपने देश में रहकर भी बहुत से कार्य ऐसे कर सकते हैं जिसमें कि हमारी देशभक्ति दिखाई जा सकती है। इस स्वतंत्रता दिवस पे हम सभी लोग प्रण करें कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी परेशानी हो, जैसे हमारी एनजीओ का भी यही मकसद है कि कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तो जितनी हो सके हर संभव हम उनकी सहायता करें और हम उनको फ़ायदा पहुंचाएं। तो हमारी यही एक हमारा एक एम या उद्देश्य है कि हम भविष्य में ऐसे ही कार्य करते रहें और जितने भी लोग हमारे पास आएँ, किसी भी चीज़ से वो परेशानी हो उनको, हम उनको मोटिवेट भी कर सकें, उनकी परेशानी का हल भी कर सकें। ये हमारी एनजीओ का भी मकसद है और ये हम सभी लोगों का मकसद है। मैं आप सभी लोगों को पुनः आज़ादी के वर्षगांठ पर बधाई देता हूँ और आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस प्रोग्राम में आकर के इस प्रोग्राम की शोभा बनाई। धन्यवाद। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे एक प्रोग्राम कराया गया जिसमें सभी लोग उपस्थित रहे, जिसमें हमारे अंबेडकर इंस्टीट्यूट ने भी अच्छे से भाग लिया। और जो लोग आए थे वो एनजीओ से लिंक है, जो कि एक संस्था है, जो लोग परेशान हैं, जिनको पढ़ाई में एजुकेशन में फीस वगैरह कुछ कमी आती है या कोई बीमार है, उसका एनजीओ हेल्प करती है, उसकी पढ़ाई में पैसा का कंट्रीब्यूशन भी कराती है। अगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी संस्था से आके जुड़े और अपना योगदान दिए। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर। धन्यवाद।